Hey guys, welcome back once again. Adobe InDesign में पेज नंबर कैसे लाया जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सॉफ्टवेयर का। तो चलिए मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे बहुत ही आसानी से इवन आप कितने भी पेजेस लेके रखे हो, 500 पेजेस, 200 पेजेस, इन सभी में इंस्टेंटली आप कुछ बेसिक से मेथड को फॉलो करके आप उन सभी में पेज नंबर और उनके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार हमारे चैनल पे हैं गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। सीक्वेंस में जितने भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं इन सभी को आप देखिएगा तो इस सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, अगर वो बुक बनाना है तो फेसिंग पेजेस आपको यूज करने पड़ते हैं अगर प्रिंट के लिए है तो, लेकिन अगर आप ई बुक्स बनाएंगे तो आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है पेज के साइज को यहाँ से आप चूज कर ले। फिलहाल मैं यहाँ पे लेटर साइज को पिक कर रहा हूँ एंड लेटर साइज में नंबर ऑफ पेजेस मुझे कितने चाहिए वो चीज मैं अभी भी ऐड कर सकता हूँ, बाद में भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं मार्जिन को यहाँ पे कर रहा हूँ 0 और ओके में कर रहे हैं हम क्लिक। तो ये कुछ बेसिक सेटअप हमने करे पेज से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज, पेज लेयर्स, ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं आ रहे तो ये सारी चीजें आपको विंडो में यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हम इन सभी को यूज करेंगे इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे ला के रखा है। तो अगर आपको फेसिंग पेजेस चाहिए, जैसे मैं इसे जूम आउट कर दे रहा हूँ, तो अभी हमारे पास सिंगल पेज है, ठीक है। अभी मैं इसमें 100 पेजेस रख रहा हूँ। 100 पेजेस में अगर आप देख सके तो यहाँ पे सारी चीजें फेसिंग पेजेस करके है, तो ये प्रिंट के लिए चलता है। अगर आप इसे ऑन करके रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं, यानी मुझे ई बुक्स बनाना है, तो डायरेक्ट मैं इसे रख सकता हूं कुछ इस तरीके से। तो जितने भी सीक्वेंस में पेजेस हैं वो वन बाई वन करके यहां पे आ जाएंगे। इन दोनों में से किसी भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। फेसिंग पेजेस का कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो मैं इसे पहले बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। तो पेज नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है मास्टर पेज का कंसेप्ट। मास्टर पेज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप कॉरल ड्रॉ में वर्क किया है तो वहां पे भी आपने ये टर्म सुना होगा और यहाँ पे इन डिजाइन में भी मास्टर पेज का अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप मास्टर पेज को यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको इंडिविजुअली पेज लाना पड़ेगा सारे पेजेस में। तो मास्टर पेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू फॉर्म में एक पेज से नंबर ऑफ मल्टीपल पेजेस में लाना चाहते हैं तो। और ये प्रोसेस कैसे एप्लीकेबल होगा तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेजेस में। अभी आपके पास अगर नहीं आ रहा ये चीज तो आप जाओगे विंडो में एंड यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, F12 इज द शॉर्टकट। जब हम इसे लेके आते हैं तो जितने भी पेजेस हैं इसका एक प्रीव्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। जितने भी पेजेस हम लेके आए हैं, जैसे मैंने 100 पेजेस रखा है तो 100 पेजेस यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, ये मास्टर पेज सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है, सिंगल आप क्लिक करेंगे तो एक मास्टर पेज का सिलेक्शन होगा और यहाँ पे ये मास्टर पेज का जो फेसिंग पेज है वो है। तो डबल क्लिक करेंगे इस पे तो अभी जो आपके पास स्क्रीन में पेज दिख रहा है ये एक्चुअली में मास्टर पेज है और इस मास्टर पेज में ही हम यहाँ पे एडिट और बाकी सारी चीजें करने वाले हैं। मास्टर पेज में जिस चीज को आप रखने वाले हो उसे हम दूसरे पेजेस पे भी देख सकते हैं। तो अभी हम जब पेज नंबर लाने की बात कर रहे हैं तो फेसिंग पेजेस में हमें लेफ्ट साइड पे रखना है इधर और राइट साइड पे रखना है इधर, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को कैसे किया जाएगा, तो डबल क्लिक करके हमने पहले तो मास्टर पेज को इनेबल कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लो और टेक्स्ट टूल लेने के बाद जैसा भी फॉन्ट का स्टाइल चाहिए आप चूज कर लो, फॉन्ट का साइज चूज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे 18 रख लिया सपोज, ठीक है, रेगुलर मैंने फॉन्ट रख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, मैं इसे फिलहाल थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ए को टाइप करोगे, सपोज मैंने ए टाइप कर दिया यहाँ पे। अभी इसके बाद आपको ये ए जो है ना इसका सिलेक्शन कर लेना है, ऑलराइट। तो ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेंगे, इसके बाद चले जाएंगे टाइप में और टाइप में जाने के बाद इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर पे चले जाएंगे। यहाँ पे मार्कर्स है और यहाँ पे करंट पेज नंबर, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप करंट पेज नंबर पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एन, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऑप्शन वाइज जा सकते हो। तो क्लिक हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस अपियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद ही आपको जाना है। अगर आप सिलेक्शन नहीं रखोगे तो फिर यहाँ पे आप नहीं जा सकते, ये चीजें डिजेबल रहेंगी। सो मेक श्योर कि आप इसे सिलेक्ट करके रखें, ये चीज आपको तो फॉलो करना पड़ेगा। अभी जिस चीज को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इसे मैं जूम आउट रख रहा हूँ एंड जूम आउट करने के बाद अगर मैं डबल क्लिक करूँ इन सभी पेजेस में तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर डायरेक्ट आ गया। तो अगर आपको डायरेक्ट पेज नंबर चाहिए, ऑड इवन का कंसेप्ट चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 2 में आया है, 3 में नहीं आया, 4 में आया है, 5 में नहीं आया। तो अगर आपको ऑड इवन में चाहिए तो वो भी रख सकते हो और अगर आपको सभी में पेज नंबर चाहिए देन डबल क्लिक करेंगे फिर से मास्टर पेज में तो जो भी चेंजेस आपको करना है आपको यहाँ पे आके चेंज करना है। तो अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको
और इसमें कुछ चेंजेस भी मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। एक तरीका होता है कि बेसिक सिर्फ पेज नंबर को रखने का, और कई बार हम लोग बुक्स वगैरह या मैगजीन वगैरह मैगजीन पे देखते हैं जिसपे पेजेस के साथ और भी कई सारी चीज़ें ऐड की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। आप चाहें तो किसी कलर को भी चूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। आप रेड, ब्लू, ब्लैक किसी भी कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। और अगर आप चाहें तो इसके बगल में एक बॉक्स भी रख सकते हो। आप चाहें तो कोई टेक्स्ट भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना दूंगा लाइक दिस, और सपोज मैं यहाँ पे इसका कुछ भी एक सपोज टाइटल दे दे रहा हूँ, ठीक है, द कंप्यूटर बुक। ऑल राइट, अभी इसका जो साइज या जो भी चेंजेस करना है वो सारे चेंजेस आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। इसे मैं यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं, यहां से कुछ यहां पे, और डबल क्लिक करके मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूं। फॉन्ट के साइज को हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, रेगुलर ही रहने देते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं नीचे की ओर। आप यहां पे रूलर जो है ना वो ड्रैग करके ले सकते हो, एक बेस आपको यहां पे मिल जाएगा। ड्रैग करेंगे, इनका सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी यानी कॉपी कर लेंगे, और सेकेंड वाला जो पेज है यहां पे आ जाएंगे। इसके बाद हम यहां पे पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल वी, ठीक है। अभी कंट्रोल वी हमने कर लिया, रूलर हम लेके आएंगे, रूलर हम सेम मैच कर लेंगे ताकि हमें बेस मिल जाए जो पेज हमारा वो कहाँ पे है। अभी हम इसका सिलेक्शन करेंगे, इसे आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसके बाद आप इसे यहाँ पे मैनुअली सेट कर लो। एरो की मदद से आप इसे ऊपर नीचे लेके आ सकते हो। ए को मैं उठा के यहां से इधर की तरफ लेके चला जा रहा हूं क्योंकि राइट साइड का पेज है तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा। और ये जो रेक्टेंगल हमने छोटा सा रखा था इसके पोजीशन को भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। इस तरीके से जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो सारे चेंजेस आप यहाँ पे मास्टर पेज में करोगे, और जो भी चेंजेस आप यहाँ पे कर रहे हो चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो सारी चीजें बाकी सभी में कंटिन्यू हो जाएंगी। अभी डबल क्लिक हम इन सभी पेजेस पे करेंगे, और जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे द कंप्यूटर बुक करके आ गया है, और पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 यहाँ पे मिल जा रहा है, और इसी तरीके से बाकी सारे जितने भी पेजेस हैं इन सभी पेज में, किसी भी पेज में अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे इजिली देख सकते हैं पेज नंबर एंड बाकी सारी डिटेल्स। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस कंसेप्ट को यूज करके पेज नंबर को लाना काफी ज्यादा आसान है, और इसमें जो भी चेंजेस आप मास्टर पेज में करोगे वो सारे के सारे चेंजेस आपके बाकी सारे पेज में उस डॉक्यूमेंट में हो जाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार हमारे चैनल पे है गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है जहां पे जाके आप मेरे प्रीमियम कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई भी क्वेरीज है तो नीचे मुझे कमेंट करके आप बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।